जबलपुर के नर्मदा घाट पर, जबलपुर के नर्मदा घाट पर कचरे का अंबार, कचरा ही कचरा, कौन है इसका जिम्मेदार? जबलपुर के नर्मदा घाट पर कचरा ही कचरा, कचरे का कौन है जिम्मेदार? नगर निगम प्रशासन या सफाई कर्मचारी, कौन है जिम्मेदार? पूछेंगे हम सवाल वहां पर रहने वाले पुजारियों से कि कौन है इसका जिम्मेदार, क्या आम जनता है इस कचरे की जिम्मेदार या प्रशासन? इसी विषय पर बात करेंगे हम, देखते हैं कि कौन है जिम्मेदार। नर्मदा घाट पर कचरा करने के लिए पूछेंगे हम एक सवाल कि कौन है जिम्मेदार, क्यों है नर्मदा घाट पर कचरा ही कचरा? बहुत गंदगी भी यहाँ की है। निगम प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं थी, सफाई व्यवस्था, वो कुछ कम महसूस की गई। और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ यहाँ भिखारी या लोग खा नहीं रहे, उस चीज़ को क्यों बांट रहे हैं भंडारा के रूप में? और ये पब्लिक जो है, गंदगी तो पब्लिक ही दोषी है इसकी टोटल। और प्रशासन को यहाँ पे भंडारों पर टोटल बैन करना चाहिए। भंडारे के लिए एक निश्चित जगह होना चाहिए। हम लोग 20 बार बोल चुके हैं कि तट से हटके जब भंडारे के लिए जगह हो, और वो एक निश्चित जगह हो, वहाँ डस्टबिन रहे, वहीं खाएंगे लोग, वहीं पे रखेंगे, तब ये व्यवस्था सही हो पाएगी सफाई की यहाँ पे। ठीक है, आपका नाम? पंडित चंद्रभूषण उपाध्याय। सफाई कर्मियों की भी हड़ताल खत्म होने के बाद भी कचरे डाले रहे हैं। চাল মুড়ি